मैं इन बनी के जो भी जीवन ललहाल जी सामने खड़े हुए थे, फिर भी वो ये कहती है कि मैंने देखा नहीं। आप नारे देते हो कि हम उस पार्टी के साथ हैं जो बेटियों की रक्षा करती है, और ये रक्षा करते हो, आपने सामने पूरी वारदात देखी। अगर आप लीडर होते तो आप आज ये कहते कि मेरे सामने ये हरकत हुई है, चाहे वो आपका वर्कर था या आपका लीडर था, आप मेरे साथ खड़े होकर उनको सजा दिलवाते तो मैं मानती कि आप एक लीडर हो और लोगों की आवाज आप रखते हो, और आप उस पार्टी के साथ जुड़े हो जो आप बोलते हो कि आप बेटियों की रक्षा करते हो। आपके खुद के लीडर, आप खुद बेटियों के साथ ये हरकतें करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप बयान देते हो कि आपने कुछ देखा नहीं, आप वीडियो में भी पूरे तरीके से साफ तौर पर, और मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके इशारे पर हुआ है। ये जेकेपी हाय हाय, एसएचओ बड़ी हाय हाय, एसएचओ बड़ी हाय हाय, जेकेपी हाय हाय। देखिए, आज आप सभी को पता है कि काफी दिन से 26 तारीख को यहाँ पर जो भी वारदात हुई है सभी के सामने है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बनी एसएचओ का या पुलिस प्रशासन को कहाँ पर दिक्कत आ रही है कार्रवाई करने में, मुझे नहीं पता। एसएचओ साहब हमें ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर वो कार्रवाई हो रही है? जो आरोपी है वो पूरी तरह से ओपनली घूम रहा है, पूरे बाजार में घूमता है, और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमें क्या कर लोगे, हमारा आप कर लो जो भी करना है। लेकिन पुलिस कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पा रहे हैं या कुछ करेगी। हमने पूरा टाइम पुलिस प्रशासन को दिया, हमने पूरी तरह से कॉपरेट जो है मैंने उनके साथ किया, लेकिन पुलिस कुछ भी, हम पता नहीं किसको खुश करने में लगी हुई है, मुझे नहीं पता। एसएसपी साहब से भी हमारी कठुआ की पूरी टीम उनसे मिलने गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी मीडिया वालों को अपने इंटरव्यू भी देते हैं, उसमें भी खुद भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने उनको गाली गलौज की है, मैंने उसको कहा है कि तेरी ऐसी तैसी, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ सिविल प्रशासन, जो हमारे बनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल प्रशासन है, उनके पास आए हैं, एलजी साहब को हम यहाँ से एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और आरोपी को सजा नहीं मिलेगी। हमारे जीवन ललहाल साथ में होते हुए भी वो किस बात का नारा देते हैं, बनी की जनता को वो मूर्ख बनाते हैं। अगर इन्होंने इस चीज को सियासी तौर पर ही लेना है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सियासत है तो आपको जो मानना है आप मानिए, लेकिन ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, और आपने ये पहली बार कोई चीज नहीं की है, इससे पहले भी आपने 3 बार मेरे साथ बदतमीजी की है। आप अगर ये चाहते हो कि मैं ना बोलूं या मैं ना आऊं, लेकिन आप ये अपनी नीच हरकतें करके मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते, या आपको अब डबल और बुलंदी से आवाज सुनने को एसएचओ बनी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन अब जो उनकी ये अब एसएचओ बनी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सर आप किसी भी तरह का इंसाफ हमारे साथ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का दबाव है या कुछ भी है, लेकिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा, और जरूर देना पड़ेगा। ये मैं आपको आज बोल रही हूँ, एक बनी की बेटी बोल रही है। अगर आज आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार है। मैं एसडीएम सर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने पुलिस को जितना हम कोऑपरेट कर सकते थे हमने किया, हम आज आपका दरवाजा खटखटाने आए, हमें पूरी उम्मीद है आपसे कि आप हमारे इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ोगे, उसके बाद हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अगर नहीं मिला मुझे भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हर एक लड़की की और हर उस महिला की बात है जो आज घर पर बैठकर ये तानाशाही और ये मारपीट सहती है लेकिन बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस उनको इंसाफ दिलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं आती हैं। शायद आपको शर्म आनी चाहिए, एक बेटी आज आपको, आप इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप दे दीजिए, लेकिन इससे मेरी आवाज चुप नहीं रहेगी और बंद नहीं होगी। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, और पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी उनको भी जवाब देना पड़ेगा। चाहे कहां तक भी ये लड़ाई जाएगी मैं लेकर जाऊंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं, जो हमारे लोकल लीडर्स, शर्म जीवन लाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी तक शायद मैंने आपके साथ कोई भी तू करके भी या किसी भी तरह की मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, क्योंकि मेरे संस्कार वैसे नहीं है। चाहे मैं पॉलिटिकल इसमें हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस तरह की बदतमीजी या इस तरह की बात, जैसे उत्तम चंद कहते कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं टांग तोड़ दूंगी, अगर मैंने आपको तू करके भी कहा होगा तो दुनिया के सामने मैं आपसे माफी मांगूंगी, लेकिन बिना वजह आपने मेरे साथ ये बदतमीजी की है। पहली बार नहीं, आपने ये तीसरी बार मेरे साथ किया है, और धक्का मुक्की आप ना जाने अगर पुलिस उधर नहीं रोकती तो आप क्या करते। लेकिन मैं पुलिस से बात करना, पुलिस से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप साथ में थे,
आपके सामने हर ये हरकतें हुई, लेकिन आप उसको उठाने की बजाय आप साथ साथ में चल रहे थे, मुस्कुराते हुए चल रहे थे। शायद आप इंजॉय कर रहे होंगे, शायद आपके घर पर भी बहु बेटियां होंगी। अगर कहीं से भी इंसानियत होगी, कुर्सी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर इंसानियत होगी अपनी बहु बेटियों के लिए भी, आपको थोड़ी सी भी एक इज्जत होगी, तो शायद आपको कहीं पर आपका दिल ज़रूर बोलेगा कि हमें इंसाफ करना चाहिए, तो ज़रूर करिएगा। लेकिन जब तक आप नहीं करोगे, मैं ज़रूर बोलूँगी। बाकी हमारे जितने भी कठुआ से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स आए, हमारे लोकल जितनी भी जनता आवाम यहाँ पर आई है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं आपको ये नहीं कहती कि मैं किसी पॉलिटिकल उससे हूँ तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ये एक बेटी की आवाज़ है। मैं उन औरतों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि जो नहीं बोल पाती हैं और चुप रह जाती हैं, मैं कहूँगी कि आप बोलिए। शायद मेरी गलती हुई कि दो बार पहले मैंने जवाब नहीं दिया, शायद मेरी ही गलती थी कि मैं दो बार पहले चुप रह गई। अगर शायद मैंने उसी दिन जवाब दिया होता तो आज इनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि ये मेरे गिरेबान तक पहुँचते और मेरे साथ धक्का मुक्की और मेरे कपड़े तक खींचने की कोशिश करते, आज शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँचते। मैं इन बनी के जो भी जीवन ललहाल जी सामने खड़े हुए थे, फिर भी वो ये कहते हैं कि मैंने देखा नहीं। आप नारे देते हो कि हम उस पार्टी के साथ हैं जो बेटियों की रक्षा करती है, और ये रक्षा करते हो, आपने सामने पूरी वारदात देखी। अगर आप लीडर होते तो आप आज ये कहते कि मेरे सामने ये हरकत हुई है, चाहे वो आपका वर्कर था या आपका लीडर था, आप मेरे साथ खड़े होकर उनको सजा दिलवाते तो मैं मानती कि आप एक लीडर हो और लोगों की आवाज आप रखते हो, और आप उस पार्टी के साथ जुड़े हो जो आप बोलते हो कि आप बेटियों की रक्षा करते हो। आपके खुद के लीडर, आप खुद बेटियों के साथ ये हरकतें करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप बयान देते हो कि आपने कुछ देखा नहीं, आप वीडियो में भी पूरे तरीके से साफ तौर पर, और मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके इशारे पर हुआ है, ये मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ, आपके इशारे के बिना हो ही नहीं सकता। आपको दिक्कत कहाँ से आती है कि मैं बोलती हूँ, पार्टी के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं अपोजिशन में हूँ, अगर मैं सवाल करती हूँ जनता के लिए, तो आपका दायित्व तो बनता है, आपको जवाब देना आपका बनता है, क्योंकि आप अभी रूलिंग में हो। आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? अपनी पार्टी के लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप वहां पर करने क्या आए थे। आपकी पार्टी रूलिंग में है, प्रधानमंत्री आपके हैं, LG आपके हैं, हर डिपार्टमेंट आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, और आप किसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने आए थे? जनता को आप मूर्ख बनाना बंद करो, और जो ये झूठी आप बातें करते हो, आप मुझे कहते हो कि ये कौन सी लीडर है, या मुझे लीडर, आप अगर बोलते हो कि ये कौन सी लीडर है, आप मुझे लीडर नहीं बनाओगे। ये जनता की आवाज है। जब तक मैं जनता के लिए बोलती रहूंगी, अगर बनी की जनता मेरे साथ है, तो आप क्या, कोई भी आ जाए, आप मुझे मेरी आवाज को रोक नहीं सकते, और लोगों को मूर्ख आप नहीं बना सकते ज्यादा देर तक। और ये सब घटना आपके सामने हुई है, और आपको भी शर्म आनी चाहिए। अगर आप सच में लीडर हो तो एक्शन आपको सबसे पहले लेना चाहिए, जो मैं मानती हूँ। अगर मेरे साथ ये सब चीजें हुई है, कल को आपकी बहू बेटियों के साथ होगी, अगर तब भी आप यही चीजें कहोगे कि मैंने कुछ नहीं देखा है, तो आपको शर्म से डूबना चाहिए। बनी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी दरख्वास्त है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बनी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ कोऑपरेट करेगी। लेकिन JKP पुलिस, आज आपने मुझे बहुत डाउन कर दिया, और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बिल्कुल भी बेटियों के साथ इंसाफ करने में सक्षम नहीं है। आप शायद भाजपा के लीडरों को खुश करने में लगे होंगे, अगर इन सब चीजों से वो खुश होते हैं, आपकी सीटें जो है, आपकी कुर्सियां जो है चमकती हैं, आप चमकाइए। लेकिन